अगर कोई आपसे पूछे कि एक परफेक्ट वीडियो गेम क्या होगा तो आप बेफिकर होकर उन्हें अनचार्टेड की ये वाली गेम जरूर सजेस्ट करना। आदत में एक्शन एडवेंचर गेम अनचार्टेड 4 अ थीव्स एंड को डेवलप किया है नॉटी डॉग और ये पब्लिश हुआ है सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट से। कहने को तो अनचार्टेड सीरीज की ये 4th इंस्टॉलमेंट है और नॉटी डॉग की इन हाउस गेम इंजिन के सहारे इसको प्रस्तुत किया गया है। सन 2011 में अनचार्टेड 3 की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अनचार्टेड 4 के ऊपर डेवलपर्स ने काम शुरू किया। फिर सन 2013 की नवंबर में इस गेम का पहला अनाउंसमेंट हो चुका था। अनचार्टेड 4 गेम को वैसे बना रहे थे क्रिएटिव डायरेक्टर एमी हेनिंग एंड गेम डायरेक्टर जस्टिन रिचमंड मिलकर, जो इससे पहले भी साथ में अनचार्टेड 3 ड्रेक्स डिसेप्शन गेम को प्रस्तुत किया था, पर कुछ कारणवश ये दोनों ही सन 2014 में नॉटी डॉग को छोड़ दिया और यही चीज के तहत गेम डेवलपमेंट भी हैम्पर हुआ। लेकिन गनीमत यह है कि नॉटी डॉग ने बहुत ही जल्दी रीपोजिशन कर लिया नील ड्रकमैन और ब्रूस ट्रेली को। ये दोनों इससे पहले अनचार्टेड की कई सारे गेम में एक साथ काम कर चुके थे और इसी कारणवश थोड़ा देर सही लेकिन आखिरकार 10 मई 2016 को इस अनचार्टेड 4 गेम को मुक्ति मिली। वैसे यही गेम का एक और न्यूअर अपग्रेडेड वर्जन को 6 साल बाद 2022 को रिलीज किया गया, जिसका नाम दिया गया अनचार्टेड द लेगेसी ऑफ थीव्स कलेक्शन। 2017 में बनी अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी भी उसी कलेक्शन का एक और पार्ट था। दोस्तों यहाँ मैं आपसे कह दूं, अनचार्टेड 4 ही एक लौता ऐसा अनचार्टेड गेम है जो आज तक 15 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज में बिके और इट इज द हाईएस्ट सेलिंग अनचार्टेड गेम टिल नाउ। खैर, इस बार नेथन ड्रेक की किरदार में आप खेलोगे हमेशा की तरह और गेम में आपके लिए नया एडवेंचर वेट कर रहा होगा। बाकायदा कुछ न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और लाजमी तौर पे कुछ पुराने एलीज या तो फिर पुराने एनपीसी का साथ भी आपको मिलता चलेगा। सबसे बढ़िया लगा इस बार की स्टोरी को बड़ा सुंदर तरीके से दर्शाई गई है और यही लिखावट के वजह से प्रोटागोनिस्ट नेथन ड्रेक को आप और भी करीब से जान पाओगे। एक्सप्लोरर इजी नॉर्मल हार्ड क्रशिंग डिफिकल्टी में किसी एक को चूज करके आप इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। वैसे इन गेम ऑटो सेव तो आपको मिलता ही चलेगा, साथ आप मैनुअल से भी कर सकते हो इफ यू रियली वांट दैट। बाकायदा वही जंगल गुफाएं बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हुए आप आगे बढ़ोगे और लास्ट तौर पे ये गेम भी अपने बाकी प्रीडेसेसर की तरह थर्ड पर्सन एक्सप्लोरेशन बेस्ड होगा। यस, राह चलते हुए बहुत सारे कुछ ट्रेजर्स आपको मिलेंगे, आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इन्हें ढूंढकर आगे बढ़ना कोई मैंडेटोरी नहीं है। अगर कहा जाए तो 100 से भी ज्यादा ट्रेजर्स आपको मिलेंगे और 25 जर्नल एंट्रीज आपको मिलेगा। बाकायदा इन गेम डायलॉग्स अगर आप ध्यान से सुनोगे तो स्टोरी के साथ जबरदस्त तरीके से रिलेट कर पाओगे और अमेजिंग लगने लगेगा इस पर्टिकुलर गेम की राइटिंग। लेकिन इस टाइटल में आपको वही रिपीटेटिव लीनियर अप्रोच मिलेगा। रिपीटेटिव इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनारियोस आएंगे जहां पे आपको लगेगा ये अनचार्टेड 3 या अनचार्टेड 2 से उठाए गए सीक्वेंस है। हाँ, कुछ कुछ सिनारियोस पे वैसे आपके पास एक्स्ट्रा चॉइसेस रहेगी, जैसे कि आप चाहो तो ये रास्ता से जा सकते हो या तो फिर इस रास्ते से जा सकते हो, लेकिन डेस्टिनेशन आपके लिए एक ही होगा। वैसे ये ग्रैपलिंग हुक का यहाँ पे इंतजाम किया गया है आपके लिए और ये ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवर्स कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ अ काइंड मुझे लगा। ऑफ कोर्स ये चीज आप लिमिटेड सिनेरियोस पे ही कर सकोगे। इस गेम में जो पजल्स आपको मिलेगा वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, लेकिन जो पजल्स जितने भी सारे आपके लिए दिए जाएंगे वो बहुत ही वेल क्राफ्टेड और वेल थॉट आउट एनवायरमेंटल पजल्स है इन नेचर। अगेन, आपके पास आपकी डायरी होगी, आपका हैंडबुक होगा या तो फिर हिंट का इस्तेमाल आप कर सकोगे जरूरत पड़ने पर, और तभी जाके आप आसानी से इन पजल को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन वही पजल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल तो जरूर करना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर आप अगर चाहो तो एनिमीज को डॉच करते हुए आराम से चुपके से आगे बढ़ पाओगे, लेकिन वो ही सिनेरियो हर बार मुमकिन नहीं होगा। देखिए, अनचार्टेड फ्रेंचाइजी कभी भी कॉम्बैट को सर्वोपरि नहीं रखा था, तो नॉर्मल शूटिंग ग्रैबिंग मिली अटैक्स के साथ साथ आप चाहो तो एक अलग तरीके से कॉन्फ्रंटेशन कर सकते हो, चाहो तो गन प्ले भी कर सकते हो, तो ये छूट तो आपको दी गई है। साथ ही साथ स्टेल्थ का बहुत सारा मौका आपको मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर कॉन्फ्रंटेशन में आप स्टेल्थ के सहारे जा सको, बहुत सारी जगह आपको ना चाहते हुए भी बंदूक उठानी पड़ेगी क्योंकि गेम कुछ इसी तरीके से अप्रोच लेता है। पर हाँ, अगर आप स्टेल्थ करना चाहो तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, पर मैं आपको कह दूं कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपकी ये
स्टेल्थ अप्रोच। एनिमी एआई की अगर मैं बात करूं तो बड़ा शातिर है, बड़ा ठीक ठाक है, लेकिन वहीं पे आप किस डिफिकल्टी में इस पर्टिकुलर गेम को खेल रहे हो उसके ऊपर भी बहुत हद तक बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि आपका हेल्थ कैसा होगा, आप लाइक कितने डैमेज सह सकोगे एनिमीज के ओर से, तो ये सारा का सारा कुछ डिपेंड करता है कि कितना डिफिकल्टी मोड पे आप खेल रहे हो। वैसे वेपन्स और एमुनेशन की अगर मैं बात करूँ तो लाजमी तौर पे भर भर के दी गई है इस पर्टिकुलर गेम में। वैसे लिमिटेड वेराइटीज ऑफ वेपन्स एंड एमुनेशन आपको मिलेगा। वैसे कुछ कुछ जगह पे आपके दोस्त लोग यानी कि एलिज आपकी मदद करेगा, पर एक चीज मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि स्टोरी के साथ एक्शन और क्विक टाइम इवेंट का एक बहुत अच्छा संयोग गेम में डाला गया है, और लगे हाथों कुछ चेसिंग सीन भी होंगे जिसको एक्सपीरियंस करते हुए आपको बेहद मजा आएगा। दोस्तों इन गेम टोटल 22 चैप्टर्स रहेगा। वैसे भी आप इन चैप्टर्स को अलग अलग डिफिकल्टी मोड पे बाद में मेन मेनू पे जाके भी एक्सेस कर सकते हो। पार्कौर की अगर बात करें तो अनचार्टेड गेम में आप दौड़ भाग कर सकते हो, छलान लगा सकते हो, कूद सकते हो, लाइक क्राउच भी कर सकते हो, रोप से स्विंग भी कर सकते हो, तो ताबड़तोड़ हरकतें आप एज अ नेथन ड्रेक इस पर्टिकुलर गेम में एज अ प्रोटैगोनिस्ट जरूर कर लोगे। तो ये तो गया ट्रैवर्सल मैकेनिक, और अगर आप चाहो तो कुछ कुछ सिनेरियोस पे गाड़ियां भी ड्राइव कर सकते हो, एंड इट्स लिटरली फन लेट मी टेल यू। सबसे अनोखा बात मुझे ये लगा कि अनचार्टेड की पिछले वाली गेम्स की तरह इस पर्टिकुलर अनचार्टेड 4 में आपको हर चीज स्पून फीड नहीं करवा के दिया गया। कभी कभी आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा गेम कि आगे आपको कैसे बढ़ना है, आगे आपका अप्रोच क्या होनी चाहिए। आई मीन इट इज वे टू लेस गाइडेड देन अनचार्टेड 1, 2, 3 गेम्स। वैसे इस बार की अनचार्टेड 4 में मुझे कैमरा मूवमेंट बहुत ही सॉलिड लगा, पर इसके साथ साथ ग्राफिक्स में सुधार लाया गया है। दोस्तों कैरेक्टर की फेसेस की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो रियलिस्टिक टच दी गई है, पॉली काउंट की भरमार है। वैसे लेवल ऑफ डिटेल्स आप कुछ भी चीज को उठाकर देख लो, ये एनवायरमेंट में सभी चीजें आपको बहुत ही एनरिच लगेगा और बहुत ही बारीकी से आप चीजों को दिख पाओगे, और शानदार लाइटिंग के साथ जो गेम प्ले आप एक्सपीरियंस करोगे वो तो अजूबा ही होगा। और लगे हाथों आप अगर अपग्रेडेड न्यूअर वर्जन को खेल रहे हो तो ऐसे में आपको और भी शानदार ग्राफिक्स देखने का मौका मिल सकता है। इस गेम की अमेजिंग 24 ट्रैक को स्कोर किया है हेनरी जैकमैन ने, जो इससे पहले भी जस्ट कॉज 3 के साथ भी काम कर चुके थे। इन गेम साउंड डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो गेम में 4 चांद डाल देगा ये चीज। वॉइस एक्टर्स की लिस्ट आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। वैसे मैं आपको कह दूं मशहूर वॉइस एक्टर ट्रॉय बेकर भी इस पर्टिकुलर अनचार्टेड प्रोजेक्ट में अपना छाप छोड़ा है। वैसे 20 से लेकर 30 घंटे की इस एक्सप्लोरेबल कैंपेन जर्नी के अलावा आप चाहो तो मल्टीप्लेयर कोऑप मोड पे भी इस पर्टिकुलर गेम को एंजॉय कर सकते हो। और फिलहाल ये गेम आपको प्लेस्टेशन 4, प्लेस्टेशन 5 और पीसी यानी कि विंडोज में एंजॉय करने के लिए मिल जाएगा। अनचार्टेड 4 एक ऐसा गेम है, इसको आप गेम कम एक एसेट ज्यादा मान सकते हो, क्योंकि यही एक पर्टिकुलर गेम है जिसके द्वारा नॉटी डॉग ने पूरे गेम वर्ल्ड को यह समझा दिया कि स्टोरी टेलिंग और यू नो डिजाइन क्राफ्ट के माध्यम से क्या कुछ किया जा सकता है इन एनी वीडियो गेम। वैसे अनचार्टेड सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि 1, 2, 3 ये 6 साल के अंदर बनी है, वही अगले आने वाले 6 साल में एक ही गेम बना है, वो है अनचार्टेड 4। तो ये अनचार्टेड 3 टू अनचार्टेड 4 ये जो डिफरेंस है ना, ये तो बस खेल के ही बनता है। वैसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अनचार्टेड 4 गेम को खेल के आपको अनचार्टेड नेथन ड्रेक से प्यार हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन अगर आपकी फितरत है, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, वैसे शूटिंग है यहां पे, लेकिन शूटिंग कॉम्बैट के ऊपर ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, मास्टर स्टोरी टेलिंग के ऊपर ज्यादा महत्व दी गई है। जो कैरेक्टराइजेशन इस पर्टिकुलर गेम पे आपको मिलेगा, हर एक कैरेक्टर को बारीकी से स्पेस दिया गया है, उनके नैरेटिव आप उठा के देख लो, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आप गेम से इन्वॉल्व रहोगे। बाकायदा 22 चैप्टर का गेम है, तो बहुत कुछ बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, तो यही लेंथ के गेम लोग पसंद करते हैं। और जहां तक सवाल है इसको पीसी पे खेले या तो फिर प्लेस्टेशन पे खेले, आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आप उसी पे खेलने की कोशिश करो। बाकायदा 60 FPS आपको मिल जाएगा अगर आपके पास नॉर्मल कंसोल है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अनचार्टेड जैसे गेम को खेलते नहीं आ रहे हो तो ऐसे में आपको इसको जरूर ट्राई आउट करनी चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ गेम कॉल्ड टूम रीडर, आप उसको भी ट्राई आउट कर सकते हो आफ्टर यू फिनिश द अनचार्टेड सीरीज। तो दोस्तों आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो के माध्यम से अनचार्टेड 4 के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए जाने के लिए मिला है। हैविंग सेड दैट, आप अगर हो सके तो इस रिव्यू वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना, चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना। मेरा नाम था सिद्धार्थ, एज ऑलवेज हैप्पी गेमिंग दोस्तों।